हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे आज के अपने इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिसमें हमें पढ़ना है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व्स के बारे में देखना ज़रा आपने पहले भी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा हुआ है अगर ये है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ये है रियल एक्सिस और ये है इमेजनरी एक्सेस सपोज करो अगर इसका कॉर्डिनेट है ए प्लस आयोटा बी इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक ए है और वर्टिकल लेंथ कितना है बताओ जीरो बी है सो दिस इज ए ज़ीरो और वो हो गया ज़ीरो बी पोलर कोऑर्डिनेट क्या लाता है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें आर और थीटा चाहिए होता है आर क्या होता है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस तो आर क्या हो जाएगा बाई पाइथागोरेस्थिरम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ से यहाँ तक जो एंगल होता है उसे हम थीटा कहते हैं थीटा क्या हो जाएगा थीटा तो देखना जरा थीटा के लिए टैन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स यानी कि बी बाई ए सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए थीटा भी आ गया और आर भी आ गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो पोलर फॉर्म का मतलब है कि अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म दिया होगा और हमें जाना है पोलर फॉर्म पे अगर कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ है एक्स वाई से अगर हमें आर थीटा में जाना है तो एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा या आर आर थीटा का मतलब हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये एरो बनाया हुआ है और थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स ये हो गया कार्टेशियन टू पोलर अब पोलर टू कार्टेशियन देखते हैं पोलर टू कार्टेशियन यानी अगर हमें आर थीटा दिया हुआ है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बताना जरा आर कॉस थीटा और प्लस आई आर साइन थीटा तो ये हो जाएगा हमारा पोलर से कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो अब डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर में यही सब हमें करना है सबका आर और थीटा निकालना है तो चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं इनके ऊपर इन्होंने कहा है नोट जो कि आपको याद रखना है कि जब भी हम जैसे ये है पोलर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको हमने मान लिया p1 और t स्टार यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ही जो आर्गुमेंट है t स्टार अच्छा एक बात पता है कि आप r को क्या कहते हैं बताओ मॉडुलस r को क्या कहते हैं आर इज मॉडलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये जो टी स्टार है इन्होंने कहा है कि आर्ग्यूमेंट जो होगा वो हो जाएगा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स तो होगा ही होगा उसके साथ के पाई आएगा जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है वॉट इज दिस के पाई तो जनरल वैल्यू के लिए के पाई क्या होगा उसके साथ एड होगा और ये भी याद रखना है वे के इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड वाई ग्रेटर देन ज़ीरो एक्स ग्रेटर देन जीरो और वाई ग्रेटर देन जीरो का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी हमारा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स आएगा एंगल वही रह जाएगा के इज इक्वल टू वन हो जाएगा फॉर एक्स इज लेस देन जीरो एंड एनी वाई ये पता है आपको क्या मतलब है दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें दोनों ही पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पर x नेगेटिव और एनी y इसका मतलब सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट नेक्स्ट इज टू फॉर x इज ग्रेटर देन ज़ीरो एंड y इज़ लेस देन ज़ीरो यानी फोर्थ क्वाड्रेंट तो याद हो गया आपको कि अगर फर्स्ट में के इज इक्वल टू जीरो लेना है सेकेंड और थर्ड में के इज इक्वल टू वन के इज इक्वल टू वन और फोर्थ में होगा तो के इज इक्वल टू टू लेना है ये आपको याद रखना है और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स प्लस के इन टू पाई ठीक है अब हम लोग एग्जाम्पल्स कर सकते हैं तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे एग्जाम्पल वन एग्जाम्पल वन में बहुत सारे हैं ए पार्ट जिसमें एम वन हमें दे रखा है टू माइनस टू तो चलो मुझे ये बताना कि एक्स की वैल्यू क्या है टू और वाई की वैल्यू क्या है माइनस टू तो आर तो आ गया रूट अंडर टू स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर डैट इज़ फोर फोर एट तो टू रूट टू लेकिन जब हम थीटा निकालेंगे तो थीटा इनवर्स आ जाएगा टेन इनवर्स माइनस टू बाई टू यानी और इसके साथ क्या होगा के पाई में मैंने आपको बताया था माइनस टू का मतलब है इधर सॉरी टू का मतलब है इधर और माइनस टू का मतलब है इधर सो द कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग के की वैल्यू क्या ले लेते हैं जीरो वन और टू ना के इज इक्वल टू टू तो यहां पर ले लेंगे टू पाई यहां पर क्या ले लेंगे बताओ टू पाई तो ये आ जाएगा माइनस वन प्लस टू पाई सो थीटा विल बी इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स वन का मतलब हो गया पाई बाई फोर प्लस टू पाई फोर टू जो एट माइनस पाई तो सेवन पाई बाई फोर हेंस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिख सकते हैं एम ओन को आर थीटा के फॉर्म में टू रूट टू कॉमा सेवन पाई बाई फोर दिस इज दोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर तो यही काम हमें बाकी पॉइंट्स के साथ भी करने हैं बी में देखना एम टू के लिए दे रखा है माइनस वन जीरो बी में देखना एम टू के लिए दे रखा है माइनस वन और जीरो तो माइनस वन और ज़ीरो इज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर तो यहाँ पे x की वैल्यू है माइनस वन वाई की वैल्यू है ज़ीरो r जब निकालेंगे तो रूट अंडर माइनस वन का स्क्वायर और जीरो का स्क्वायर तो वन आ गया r की वैल्यू वन आ गई और थीटा इज इक्वल टू तो टेन इनवर्स ज़ीरो बाई माइनस वन और ये है हमारा इस पे एक्स एक्सिस पे है एंगल तो साफ साफ दिख रहा है कि कितना बन रहा है हमारा एंगल तो साफ साफ पता लग रहा है टेन इनवर्स जीरो देखो टेन ज़ीरो भी ज़ीरो होता है और टेन पाई भी ज़ीरो होता है तो थीटा इज इक्वल टू और यहाँ पर क्या दे देंगे ये सेकेंड और थर्ड में कहीं भी रहे तो वन इंटू पाई क्योंकि हमने पढ़ा है कि इसमें के इज इक्वल टू क्या लेते हैं हम लोग वन तो यहाँ पे वन डाल दिया वन इन टू पाई टेन इनवर्स ज़ीरो इज जीरो और प्लस पाई यानी कि पाई सो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एम टू माइनस वन जीरो कैन बी रिटेन एज आर वन एंड दिस पाई क्लियर अब है सी एम थ्री एम थ्री में है माइनस टू रूट थ्री और माइनस टू तो देखना जरा इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाओगे तो एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव कुछ इधर आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में तो के की वैल्यू हमें क्या ले लेनी है वन चलो आर निकालते हैं आर निकालेंगे तो आर सबसे पहले एक्स निकालेंगे तो एक्स इज माइनस टू रूट थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस टू सो आर इज इक्वल टू रूट अंडर माइनस टू रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस माइनस टू का होल स्क्वायर सो आर इज इक्वल टू रूट अंडर फोर थ्री जो ट्वेल्व प्लस फोर सिक्सटीन सिक्सटीन का मतलब हो गया फोर और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स तो माइनस टू माइनस टू कैंसिल और प्लस वन इन पाई तो टेन इनवर्स वन बाई रूट थ्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन बाई रूट थ्री होता है पहले जीरो और फिर वन बाई रूट थ्री फिर वन रूट थ्री और इन्फिनी हाँ ठीक है तो ये पाई बाई सिक्स आ गया प्लस पाई सो दिस विल बिकम सेवन पाई बाई सिक्स हेंस एम थ्री कैन बी रिटर्न एज आर आर कितना आया था फोर एंड सेवन पाई बाई सिक्स तो बस थोड़ा सा कॉन्सेप्शन है और ये के वाला जो सिस्टम समझ में आ गया तो हो गया फिर काम हमारा अभी हमने तीसरा किया है चौथा करते हैं एम फोर जो कि दिया हुआ है रूट थ्री और वन फटाफट इसका आर निकालोगे तो रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर और दोनों ही पॉजिटिव है तो ये टू आ गया थीटा इज इक्वल टू तो टेन इनवर्स वन बाई रूट थ्री और प्लस ज़ीरो पाई तो ये आ गया सीधा पाई बाई सिक्स हैंस एम फोर कैन बी रिटेन एज टू एंड पाई बाई सिक्स ईजी नेक्स्ट इज एम फाइव एम फाइव में थ्री और जीरो दिया हुआ है हमें पता है यही होगा थ्री और जीरो दिया हुआ है तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा थ्री का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स जीरो बाई थ्री और इधर तो फर्स्ट क्वार्टर में है तो कुछ भी नहीं ऐड करते तो टेन इनवर्स जीरो इज जीरो सो एम फाइव कैन बी रिटेन एज थ्री एंड जीरो अब है एम सिक्स एम सिक्स में दे रखा है माइनस टू टू माइनस टू टू का मतलब है माइनस टू और वन टू सो दिस वन माइनस टू टू का मतलब है दिस वन यानी थर्ड क्वार्टर में तो के इज टू क्या लेना है सेकेंड क्वार्टर में तो केजू क्या ले लेना है हमें वन आर की वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर माइनस टू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर डैट इज फोर फोर एट तो टू रूट टू or theta is equal to tan inverse 2 by minus 2 plus 1 into pi. So tan inverse minus 1 is how much? Minus pi by 4 plus pi. 4 pi minus pi is 3 pi by 4. So, M6 can be written as 2 root 2 and 3 pi by 4. एम सिक्स के बाद बारी आती है एम सेवन की एम सेवन में है ज़ीरो एंड वन एक्स इज वल टू जीरो वाई इक्वल टू वन सो आर इज इक्वल टू रूट अंडर जीरो स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इज ईक्ल टू वन थीटा इज ईक्वल टू टेन इनवर्स वन बाई ज़ीरो और ये लाई कर रहा है ज़ीरो और वन हमारा फर्स्ट क्वारन में तो इसके साथ हम लोग कुछ भी नहीं एड करेंगे तो ज़ीरो पाए सो दिस इज पाई बाई टू सिम्पली हैंस एम सेवन को लिख सकते हैं वन और पाई बाई टू नेक्स्ट इज एम एट एम एट में हमें दे रखा है जीरो माइनस फोर तो एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई इज़ इक्वल टू माइनस फोर सो आर इज इक्वल टू रूट अंडर जीरो का स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर सो सिक्सटीन का अंडर रूट क्या हो गया फोर और थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो और माइनस फोर का मतलब है यहाँ तो थीटा इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस फोर बाई ज़ीरो और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा हमें के इज इक्वल टू वन सो पाई एड कर दिया तो ये टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी का मतलब है माइनस पाई बाई टू प्लस पाई

फोर एंड थ्री पाई बाई टू हम लोग लिख सकते हैं क्लियर तो so, ये थे टोटल एट पार्ट्स एग्जाम्पल वन के ये हमने कर लिया और फिर एक और एग्जाम्पल वन दियाटेस्ट फाइंड द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर्स तो ये भी सेम तरीके से होगा तो आप इसको अपना खुद करोगे हाँ एग्ज़ाम्पल वन एंड एग्जाम्पल टू लेटेस्ट फाइंड द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर्स ये भी उसी तरीके से देखो ना सेम टू सेम करना है यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल वन में लेटेस्ट फाइंड द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर्स दे वन टू थ्री फोर एंड देर एक्सटेंडेड आर्गमेंट अच्छा ठीक है तो चलो एक क्वेश्चन हम करके दिखलाते हैं एक्सटेंडेड आर्गोमेंट का मतलब क्या है एग्जाम्पल वन ही लिखा है जैसे फाइंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी नंबर्स एंड डिटरमाइन देयर एक्सटेंडेड आर्ग्यूमेंट एक्सटेंडेड आर्ग्यूमेंट तो देखना जरा जैसे ए दिया हुआ है जेड वन इज इक्वल टू तो माइनस वन माइनस आई तो सबसे पहले आर निकालेंगे इसका आर तो आर इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा रूट अंडर माइनस वन का स्क्वायर फिर माइनस वन का स्क्वायर ये आ गया रूट टू ठीक है अब जब थीटा निकालने चले तो टेन इनवर्स माइनस वन बाई माइनस वन और ये आएगा माइनस वन और माइनस वन यानी कि थर्ड क्वार्टर में तो के इज इक्वल टू क्या कर देंगे वन माइनस वन बाई माइनस वन और प्लस पाई तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन प्लस पाई टेन इनवर्स वन इज पाई बाई फोर प्लस पाई तो फाइव पाई बाई फोर एक तो थीटा आ गया लेकिन अब एक्सटेंडेड आर्गूमेंट में क्या करना है हमें तो फॉर एक्सटेंडेड आर्ग्यूमेंट हमें तो ये पता है ना कि कोई भी चीज़ कब रिपीट करती है अगर ये थीटा है तो यही हो जाएगा टू पाई प्लस थीटा फिर वहीं पे आएगा तो दिस विल बी फोर पाई प्लस थीटा यानी एवरी थिंग रिपीट्स एट टू के पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा ये मैंने लिखा है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज़ इक्ल टू सेम टू सेम तो फॉर एक्सटेंडेड आर्गूमेंट अच्छा हम साइन क्यों ले रहे हैं टेन ही ले लो ना डायरेक्ट टेन तो फॉर एक्सटेंडेड आर्गूमेंट आर्गूमेंट ऑफ जेड वन इज एक टू फाइव पाई बाई फोर प्लस टू के पाई प्लस टू के पाई वे के बिलोंग्स टू इंटीजर ये तो सबको पता है और जेडवन इज क्या लिख दोगे बाहर में मॉडुलस आर कॉस थीटा और साइन थीटा तो कॉस फाइव पाई बाई फोर प्लस आई साइन फाइव पाई बाई फोर ये क्या लिख दिया हमने पोलर रिप्रेजेंटेशन। इससे पहले वाले एग्जांपल में खाली मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालने को कहा था और अभी हमने पोलर रिप्रेजेंटेशन भी कर दिया मतलब इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया अब इसी तरीके से बी सी डी ई सारे करने हैं आपको तो ये तो आप अपना कर लोगे फिर एग्ज़ाम्पल टू भी इसी टाइप का है एक्सटेंडेड आर्गुमेंट तो होमवर्क में आपको ये एग्ज़ाम्पल वन और एग्ज़ाम्पल टू दोनों कर जाने हैं पेज नंबर थर्टी फोर तक अब प्रॉब्लम वन पे चलते हैं Then I have find the polar representation. Find the polar representation. Find the polar representation of the complex number. Find the polar representation of the complex number. Z is equal to 1 plus cos a plus i sine a. और ए इज बिलोंगिंग टू जीरो से टू पाई ये रहा क्वेश्चन हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें एक्स का पता लगाना पड़ेगा तो एक्स क्या है वन प्लस कॉस ए है और वाई क्या है साइन ए है तो जो आयोटा के साथ लगा होता है वो होता है वाई और जो बिना आयोटा का होता है वो क्या हो जाता है बताओ एक्स एक्स और वाई हमने निकाल लिया अब जब आर निकालेंगे तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सो दिस विल बी रूट अंडर वन प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए का होल स्क्वायर सो दिस विल बी वन प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए सो आर विल बी इक्वल टू रूट अंडर ध्यान देना कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज वन वन प्लस वन टू टू अगर कॉमन ले लिया तो वन प्लस कॉस ए तो रूट टू बाहर और वन प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा बताओ वन प्लस कॉस टू थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू सो दिस इज दिस इज हाँ रूट में है ना तो ये जब टू बाहर निकलेगा तो रूट टू रूट टू हो जाएगा टू और कॉस स्क्वायर का बन जाएगा कॉस ए बाई टू मॉडलस है इसलिए हमने इस पर क्या लगा दिया मॉड क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता अब आर्गुमेंट निकालना है हमें मॉडुलस तो आ गया आर्गुमेंट चाहिए तो आर्गुमेंट के लिए ए दे रखा है कि ज़ीरो से टू पाई के बीच में कुछ भी हो सकता है तो इफ़ ए बिलोंग्स टू ज़ीरो से टू पाई दैन अच्छा ज़ीरो से पाई देखो ज़ीरो से पाई में एक बार ज़ीरो से टू पाई में एक बार ये करेंगे और एक बार ये करेंगे अगर ये करेंगे तो फिर इसका हाफ़ जो होगा then ए बाई टू किससे बिलोंग करेगा बताओ ज़ीरो और पाई बाई टू से कोई भी नंबर ले, ले लो जो कि 180 से कम है तो उसका हाफ़ क्या होगा 90 से कम आएगा यानी एंगल लाई कर जाएगा a बाई टू हमारा फर्स्ट क्वार्टर में फर्स्ट क्वार्टर में लाई कर जाएगा तो जो एंगल था थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स साइन ए बाई वन प्लस कॉस ए इसके साथ क्या आ जाएगा बताओ जीरो इन टू पाई तो साइन ए बाई वन प्लस कॉस ए इज इक्वल टू टेन इनवर्स साइन ए को लिख सकते हैं हम लोग टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू और नीचे वन प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा कॉस ए को कॉस ऑफ टू ए में ब्रेक करोगे तो कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू तो वन माइनस टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू एक कॉस एक कॉस कैंसिल टू टू कैंसिल तो दिस विल बी सिंपली साइन बाई कॉस टेन ए बाई टू तो ए बाई टू ए बाई टू हेंस इस केस में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या लिखेंगे बताओ हेंस जेड को लिख देंगे यह आया था मॉडलस टू कॉस ए बाई टू इन टू साइ कॉस ऑफ ए बाई टू प्लस आई साइन ऑफ ए बाई टू लिखते हैं ना आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा तो आर को बाहर लिख दिया थीटा है ए बाई टू तो कॉस ऑफ ए बाई टू प्लस आई साइन ऑफ ए बाई टू तो ये था हमारा पहला केस जब ज़ीरो से पाई के बीच में लाई कर रहा है क्योंकि ए कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा कंडीशन हमें देगा जीरो से टू पाई तो अभी एक केस ही खत्म हुआ अब दूसरे केस में हम लेंगे कि जब एंगल हमारा पाई से टू पाई के बीच में लाई करेगा तो इसका हाफ जो होगा वो भी क्या होगा बताओ सेकेंड क्वारन में लाई करेगा बी पार्ट में है लेट ए बिलोंग्स टू पाई से टू पाई ध्यान रखना ये देखो ये पाई से टू पाई में जा रहा है तो ए बाई टू जो है ए बाई टू वो यहाँ से यहाँ के बीच में आएगा तो उसके लिए हम लोग के क्या यूज़ कर लेंगे वन क्योंकि सेकेंड और थर्ड क्वार्डर में हम लोग के यूज़ कर लेते हैं वन एंड दिस इज ए ए इज़ बिलोंगिंग टू पाई से टू पाई अब देखना जरा तो a बाई टू बिलोंग्स टू पाई बाई टू से लेकर के पाई तक ठीक है तो अब r तो सेम टू सेम रहेगा ना r क्या था हमारा टू cos a बाई टू लेकिन जब थीटा निकालेंगे तो tan इनवर्स tan इनवर्स क्या आया था अच्छा ठीक है k की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं होगी k की वैल्यू a के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी अगर पाई से इधर में आ रहा है Z हमारा है क्या p वन प्लस कॉस ए साइम ए ज़रा इस पे ध्यान देना कि अगर a हमारा यहाँ से यहाँ तक है तो एड शुगर टू कॉफ़ी टू कॉफ़ी कुछ भी होगा तो यहाँ पे कॉस क्या होगा बताओ नेगेटिव लेकिन हाँ ठीक है कॉस नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकता है लेकिन साइन क्या होगा नेगेटिव तो ध्यान दो नेगेटिव चाहे पॉजिटिव कुछ भी हो कॉस ए लाइज बिटवीन माइनस वन टू वन बट वन प्लस कॉस ए इज़ ऑलवेज पॉजिटिव तो एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है सो एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव सो इन फोर्थ quadrant लाई करेगा हमारा इससे हमें पता लग गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करने से दिस इज जेड तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जेड लाई करने से क्या हो जाएगा के की वैल्यू हम कितनी ले लेंगे बताओ टू तो टैन इनवर्स हमारे पास क्या है बताओ टेन इनवर्स पी था वन प्लस कॉस ए साइन ए तो साइन ए बाई वन प्लस कॉस ए प्लस टू पाई तो अभी तो जस्ट इसको सॉल्व किया था तो ये क्या आ गया था ए बाई टू प्लस टू पाई अच्छा ठीक है टेन ए बाई टू माइनस पाई क्यू किया है जस्ट मिनट। अच्छा फिर जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स फिर आ जाएगा टेन ए बाई टू अब a बाई टू आ गया तो उसके साथ क्या आ जाएगा बताओ सिर्फ पाई आएगा तो ये आ गया a बाई टू प्लस पाई हैंस जेड इज इक्वल टू हैंस ए के साथ टू पाई आएगा बट विथ ए बाई टू ओनली पाई आएगा ठीक है क्योंकि अगर ए हमारा यहाँ से यहाँ के बीच में लाई करा है तो ए बाई टू लाई करेगा इस वाले क्वाड्रेंट में तो यहाँ पे अगर टू पाई हो रहा था तो अब यहाँ पे क्या होने लगेगा बताओ पाई तो जेड इज इक्वल टू आर कॉस ए बाई टू प्लस पाई प्लस आई साइन ए बाई टू प्लस पाई ये आ गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है तो पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और अगर ए हमारा ज़ीरो हो जाता है देन जेड तो पूरा का पूरा ज़ीरो ही हो जाएगा इफ ए इज़ इक्वल टू पाई देन जेड क्या हो जाएगा बताओ कॉस पाई इज माइनस वन और इसका रेडियस कितना है ठीक है अगर ए इज इक्वल टू पाई तो कॉस पाई इज माइनस वन जेड इज़ इक्वल टू ज़ीरो ठीक है ए अगर पाई हो गया तो फिर ए बाई टू कितना हो गया बताओ पाई बाई टू तो जेड इज इक्वल टू ज़ीरो क्योंकि जेड इज इक्वल टू आ जाएगा वन प्लस कॉस पाई प्लस आई साइन पाई ये हो जाएगा वन माइनस वन प्लस जीरो आयोटा यानी कि जीरो ठीक है तो ये थर्ड केस हो गया उसका इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हुआ प्रॉब्लम नंबर वन नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर टू पे प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम टू में है फाइंड ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स फाइंड ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स जेड सच डेट मॉड जेड इज इक्वल टू वन एंड मॉड जेड बाई जेड कंजुगेट प्लस जेड कंजुगेट बाई जेड इज इक्वल टू वन तो चलो देखो जरा सॉल्व करें इसको जेड बाई जेड कंजुगेट प्लस जेड कंजुगेट बाई जेड इज इक्वल टू जेड इंटू जेड कंजुगेट फिर जेड का स्क्वायर प्लस मॉड जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसमें ना जेड को कुछ लेट करना पड़ेगा जेड को कुछ लेट करना पड़ेगा जब मॉडुलस वन है तो लेट जेड इज इक्वल टू वन इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा मान लिया हम लोगों ने ठीक है तो अब जब जेड स्क्वायर निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि बन जाएगा कॉस टू थीटा और फिर टू आई साइन थीटा कॉस थीटा यानी कि बन जाएगा आई साइन टू थीटा और प्लस जेड कंजुगेट का स्क्वायर जेड कंजुगेट क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा तो सब कुछ सेम आएगा बस इधर क्या आ जाएगा माइनस आई साइन टू थीटा अपॉन में जेड इंटू जेड कंजुकेट क्या हो जाता है मॉडुलस का स्क्वायर जेड हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा जेड कंजुकेट हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्योंकि आई स्क्वायर इज माइनस वन तो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा दिस इज वन तो यह आ गया ये ये कैंसिल टू कॉस टू थीटा बाई वन सो दिस इज टू कॉस टू थीटा वेर अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है फाइंड ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर जेड हमें थीटा ही तो चाहिए ना मॉडल्स तो हमें पता ही है मॉडल्स पता है तो हमें क्या चाहिए सिर्फ थीटा तो टू कॉस टू थीटा इज इक्वल टू इसकी वैल्यू वन दी हुई है तो कॉस टू थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया वन बाई टू अब इसी को हमें सॉल्व करके निकालना है इसमें दे रखा है कॉस टू थ्री इक्वल टू वन बाई टू देन सबसे पहले जब हम निकालेंगे हाँ एक चीज और एक छोटी सी बात और है वो ये है कि सबका मॉडुलस वन था ना तो मॉड अगर लगा दिया मॉड लगा दिया मॉड लगा दिया तो यहाँ भी मॉड रहेगा और यहाँ भी मॉड रहेगा तो टू मॉड दिस वन और कॉस टू थीटा इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू भी हो सकता है क्योंकि कॉस टू थीटा इंटू टू का मॉडुलस होना चाहिए वन तो अंदर में प्लस टू भी हो सकता है और माइनस टू भी हो सकता है ठीक है तो हम लोग माइनस के लिए भी सॉल्व करेंगे और प्लस के लिए भी सॉल्व करेंगे तो अभी पहला केस कर रहे हैं जब प्लस के लिए कर रहे हैं

कॉस ऑफ टू पाई माइनस टू थीटा क्योंकि आपको याद होगा इसमें ऐड शुगर टू कॉफ़ी इसमें कॉस्ट पॉजिटिव होता है और इसमें कॉस्ट पॉजिटिव होता है तो हर बार हम फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लेते जाएंगे तो कॉस टू पाई माइनस टू थीटा और कॉस्ट टू थीटा ही रहेगा इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ पाई बाई सिक्स तो विच एम्प्लाइज ये तो एक हो गया एंगल निकल गया अब दूसरा निकाल रहे हैं इफ़ दिस वन तो टू पाई माइनस टू थीटा इज ईक्ल टू पाई बाई सिक्स विच इम्प्लाईज़ कि टू थीटा इज ओक्वल टू टू पाई माइनस पाई बाई सिक्स एलेवन पाई बाई सिक्स विच इम्प्लाईज़ थीटा इज इक्वल टू इलेवन पाई बाई ट्वेल्व तो एक और निकल गया एलेवन पाई बाई ट्वेल्व हाँ कुछ गलत हुआ है सॉरी वन बाई टू जो है ना वो पाई बाई थ्री का होता है थ्री ये कितना हो जाएगा पाई बाई सिक्स तो यहाँ पे भी पाई बाई थ्री 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 हो गया तो टू पाई माइनस टू थीटा इज इक्वल टू पाई बाई थ्री विच एम्प्लाईज़ टू थीटा इज इक्वल टू टू पाई माइनस पाई बाई थ्री तो थ्री टू जो सिक्स माइनस वन फाइव पाई बाई थ्री तो थीटा इज इक्वल टू फाइव पाई बाई सिक्स एक और एंगल निकल आया अब फिर हम लोग चलेंगे दूसरे एंगल की तरफ इफ हम एक बार हो गया कॉस टू थीटा एक बार कॉस टू पाई माइनस टू थीटा एक बार अब करेंगे कॉस फोर पाई टू पाई तो हो गया जीरो हो गया अब टू पाई प्लस थीटा करेंगे तो इफ कॉस ऑफ टू पाई प्लस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई थ्री तो इससे मिलेगा हमें टू पाई प्लस टू थीटा इज इक्वल टू पाई बाई थ्री तो टू थीटा इज इक्वल टू पाई बाई थ्री माइनस टू तो थ्री टू जस्ट सिक्स माइनस फाइव पाई बाई थ्री तो थीटा इज इक्वल टू माइनस फाइव पाई अपॉन सिक्स तो देखना ज़रा थीटा अगर माइनस फाइव पाई बाई सिक्स है तो लगभग ये इतना एंगल हुआ थीटा इज इक्वल टू माइनस फाइव पाई बाई सिक्स तो इधर से कौन सा एंगल हुआ सो पॉजिटिव एंगल इज टू पाई माइनस फाइव पाई बाई सिक्स सिक्स टू जो ट्वेल्व ट्वेल्व माइनस फाइव इज सेवन पाई बाई सिक्स ये वैल्यू आ गई नेक्स्ट इज ये तब तक हम लोग निकालते रहेंगे क्योंकि हमें दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू क्वेश्चन में दिया हुआ है जीरो से टू पाई x जीरो से टू पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है तो जब तक ये टू पाई से बड़ा नहीं हो जाता तब तक हमें करते रहना है तो अब ध्यान से देखना इसको हम लोग लिख सकते हैं सीधा थीटा या फिर टू पाई प्लस थीटा इसको क्या लिख सकते हैं बताओ इस क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा या फिर टू पाई माइनस थीटा तो अब बारी आ रही है कॉस ऑफ टू पाई माइनस टू थीटा की इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई थ्री तो टू पाई टू पाई या फिर फोर पाई देखते हैं टू पाई माइनस टू थीटा इज इक्वल टू पाई बाई थ्री तो टू थीटा इज इक्वल टू टू पाई माइनस पाई बाई थ्री थ्री टू जो सिक्स माइनस वन फाइव पाई बाई थ्री तब तो ये फिर से वही आ रहा है अच्छा ये तो हमने कर ही लिया तो यहाँ पे फोर पाई कर दो ये किया हुआ है ना ऊपर टू पाई माइनस टू थीटा फोर पाई माइनस टू थीटा कर दो फोर पाई तो फोर थी जो ट्वेल्व माइनस वन इलेवन पाई बाई थ्री तो विच एम्प्लाईज कि थीटा इज इक्वल टू इलेवन पाई बाई सिक्स अब अगर आप इससे ज्यादा बढ़ते हो कॉस ऑफ फोर पाई के साथ हो गया अब हम किसके साथ करेंगे बताओ टू पाई प्लस टू थीटा भी कर लिया हमने तो अब कॉस ऑफ फोर पाई प्लस टू थीटा करेंगे इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई थ्री तो इधर आ जाएगा फोर पाई प्लस टू थीटा इज इक्वल टू पाई बाई थ्री विच एम्प्लाईज़ टू थीटा इज इक्वल टू फोर पाई माइनस पाई बाई थ्री फोर थ्री जो ट्वेल्व माइनस वन इलेवन पाई बाई थ्री ये तो सेम टू सेम आ रहा है अच्छा माइनस में आ रहा है क्यों आ रहा है माइनस में टू थीटा अच्छा ये माइनस और ये प्लस माइनस इलेवन पाई बाई थ्री माइनस इलेवन पाई बाई थ्री का मतलब क्या हो गया पॉजिटिव एंगल इसका क्या बन जाएगा बताओ पॉजिटिव एंगल के लिए टू पाई में से हम लोग माइनस कर देंगे इलेवन पाई बाई थ्री को थ्री टू जैसा सिक्स माइनस फाइव पाई बाई सिक्स फिर भी नेगेटिव ही आ रहा है इसको इग्नोर कर दो अब आगे जो भी निकालोगे ना वो सब हमारे रेंज से क्या होता चलेगा बताओ अलग आता जाएगा एलेवन पाई बाई थ्री को थ्री टू सिक्स। अच्छा ये आ गया थ्री टू जो सिक्स थ्री थ्री जो नाइन काफ़ी ये वाली वैल्यू आ गई मतलब मॉडुलस अगर देखा जाए तो मॉडुलस ऑफ थीटा इज़ ग्रेटर देन टू पाई सो नॉट अ सॉल्यूशन तो ये हमारा थीटा का सॉल्यूशन नहीं होगा तो थीटा कितने मिल गए हमें एक 11 पाई बाई सिक्स एक सेवन पाई बाई सिक्स फिर एक फाइव पाई बाई सिक्स और एक पाई बाई सिक्स ये चार थीटा मिले हमें किसके लिए ये चार मिले हमें किसके लिए केस वन के लिए व्हेन कॉस टू थीटा इक्वल टू तो वन बाई टू

टू थीटा इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू थीटा विल बी इक्वल टू पाई बाई थ्री टू पाई बाई थ्री फोर पाई बाई थ्री एंड फाइव पाई बाई थ्री ये चार वैल्यूज निकल करके आएंगी तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे लास्टली जेड के इज इक्वल टू मॉडुलस इसका कितना आया था वन था ना? तो वन कॉस ऑफ एक्स के यानी कॉस ऑफ थीटा प्लस आई साइन ऑफ थीटा थीटा बिलोंग्स टू इनमें से कुछ भी हो सकता है जो भी एट वैल्यूज है ना टोटल एट एंगल्स चार नेगेटिव वाले से और चार पॉजिटिव वाले से उनका पूरा सेट बना दोगे कहोगे कि इनमें से कोई भी थीटा हो सकता है तो ये हमने एक फेज किया है ये हमने किया है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व्स जो कि था टू पॉइंट वन अब ये वीडियो तो काफ़ी लेंदी हो गया नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे ऑपरेशन विथ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर रिप्रेजेंटेशन तो क्लास टू में हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास होगा हमारा क्लास टू जिसमें करेंगे मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स उसके बाद से होगा एनिथ रूट्स ऑफ यूनिटी ठीक है तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में